बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहुन्ना सैयदना व मौलाना मुहम्मदन व अलू। अस्सलाम वालेकुम तमाम वाईटी फैमिली को खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम आप तमामी दोस्तों के लिए लेकर आए हैं जी बीफ पुलाव की रेसिपी। तो बीफ पुलाव जी हम किस तरीके से बनाएंगे और कितना कितना बनाएंगे तो ये भी जो हम आपको जी आगे चल के बताते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले जी हम एक पर्पल की जो है कपड़ा ले लेंगे, उसमें फिर हम डालेंगे जी सौंफ। सौंफ के बाद हम डालेंगे जी उसमें धनिया। ये देखिए जी धनिया और सौंफ जो इसमें डाल दिया गया है। और इसके बाद हम डालेंगे जी इसमें लहसुन। देखिए तो पुलाव बन रहा है जिस टाइम हमारे पकवान सेंटर पे बीफ पुलाव, तो उसको जो अब हम जो है एक विधान जी बना लेंगे, मतलब अच्छे से जो उसको विधान लगा लेंगे। ये देखिए बीफ पुलाव जी इस टाइम बस तैयार हो रहा है। 10 किलो बीफ पुलाव, 10 किलो में जो है हम गोश्त डाल रहे हैं जी 12.5 किलो। ये गोश्त है जी हमारे पास 12.5 किलो, उसको हमने जो है धो के अच्छे से जी टोकरी में हमने निकाल लिया। अब इसी गोश्त को जो है हम डेग में शामिल करेंगे। तो ये देख सकते हैं जी डेग में जो गोश्त जी शामिल किया जा रहा है। और ये जो हमने पुलाव के लिए हमने पुतलिया बनाई थी, ये जो है इसमें हम शामिल कर देंगे। और अब जो इसमें हम पानी शामिल करेंगे, गोश्त को जो हम गलाएंगे तो उसके लिए जो हम पानी शामिल कर रहे हैं। आप पानी तो देख सकते हैं जिस टाइम जो है पानी जो है शामिल हो चुका है। और साथ ही जो हम चूल्हा भी खोलेंगे। अब जो है हम ढक्कन से जो हम कवर भी कर देंगे। देख सकते हैं जी ढक्कन हमने रख दिया है पे। और फिर हम जी गोश्त करने का जो करते जी इंतजार। ये आप तमाम दोस्त जो है टाइम देख ही सकते हैं गोश्त में जो हमारी अच्छे से जी खट्टी भी जो है आ गई है। ढक्कन जो इसका आपको जी रिमूव भी करके दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसमें खट्टी भी आ गई है। तो साथ ही जो है इसमें ये कुछ मसाले जो है इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और फूल बादिया। देख सकते हैं तो हमें ये मसाले भी जो इसमें शामिल कर दिए। और अभी इसमें जब हमने कोई कबकी वगैरह नहीं चलाया तो उसको जो हम वापस जो है ढक्कन से जो कवर भी कर देंगे। तो साथ ही जो है इसमें अब हम नमक भी लगाएंगे। तो नमक जो हमने स्टार्टिंग में नहीं लगाया था, ये देख सकते हैं इसमें जी खट्टी भी जो इसमें आ गई है। ये आप तमाम दोस्त तो देख सकते हैं। तो पहले इसमें हम कबकील भी चला लेंगे। ये देखेंगे कबकील जो है मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए तो इसमें जो है अब हम नमक भी लगाएंगे। तो ये देखिए नमक जो है इसमें पुलाव में जी लगाया जा रहा है। तो नमक जो हमें इसमें लगाना है जी हफ्ते जाएगा। नमक शामिल करने के बाद इसमें हम अच्छे से जी कबकील भी जो है चला देंगे। ये देख सकते हैं आप तमामी दोस्त पुलाव का जो गोश्त है वो इस टाइम जो है हमारे पास तैयार हो रहा है। उसको वापस जो हम ढक्कन से जी हम कवर भी कर देंगे। तो ये गोश्त है जी हमारे पुलाव का 12.5 किलो, 10 किलो चावल और 12.5 किलो गोश्त। गोश्त जो है इसमें सवाया का जो है इसमें गोश्त शामिल हो रहा है। आप तमामी दोस्त देख सकते हैं इस टाइम जो पुलाव का गोश्त हमारे पास जी गलने के लिए हमने चूल्हे पे रखा हुआ है। ढक्कन भी जो है रिमूव करेंगे और दिखा देंगे आपको पुलाव का जी गोश्त जी कितना जो है ये टेंडर हो चुका है। ये देख सकते हैं आप तमाम लोग इस टाइम जो है
देखिए जी बहुत ही अच्छे तरीके से जी वो जी हमारा टेंडर हो चुका है। एक बोटी और जी आप लोगों को चेक कराते हैं। ये देखें आप तमाम लोग देख सकते हैं बासमती राइस है ये अच्छे ब्रांड का। ये आप तमाम लोग जो है देख भी सकते हैं इस टाइम। ये 10 किलो चावल है तो इसको आप जो है भिगोएंगे, उसमें जो पानी भी जो है इसमें शामिल करेंगे। ये देख सकते हैं आप रोज टाइम जो चावलों को जो है भिगोया जा रहा है। देखिए जी चावलों को जो हमने भिगो दिया इस टाइम, आप तमाम तो जो है देख भी सकते हैं। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वो जो है हमारा तैयार हो गया था। यखनी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी तैयार भी है और इस पुतलिया को जो है हम इसमें जी निकाल के रख लेंगे, ये अलग कर देंगे क्योंकि इस पुतलिया का जो है काम नहीं है हमारे पास। ये देखिए बीफ यखनी पुलाव गजब गजब पकवान भी जिस टाइम तैयार किया जा रहा है, मसाले वाला बीफ यखनी पुलाव। ये इस डेग में जी हमारे जो है यखनी तैयार है, तो इस डेग में जो है हम अपना पुलाव जी तैयार करेंगे। तब जो है आयल इसमें हम शामिल करेंगे, 2 किलो जो है हम आयल इस डेग में हम शामिल कर रहे हैं। आयल जो है इसमें लगेगा टोटल लगेगा 2.5 किलो, तो 1.5 किलो जो है आयल जो है हम बाद में शामिल करेंगे। साथ ही जो है हम चूल्हा भी खोल देंगे। ये देखिए चूल्हा जो है खोल दिया गया है। अब इस डेग की जो यखनी है तो जो जितना भी गोश्त है हम इसको जो एक छन्ने की मदद से जो हम डेग में जी करेंगे, इस डेग में से जी हम गोश्त निकाल के जी हम इस डेग में हम शामिल करेंगे। साथ ही जो इसमें हम अदरक मिर्चे और ब्राउन प्याज जो इसमें हम शामिल करेंगे। देख सकते हैं ब्राउन प्याज अच्छे से हम आयल में जो है भूनेंगे। साथ ही जो है ये गरम मसाला पुलाव का मिर्चे अदरक आलू कुबारा भी इसमें हम शामिल करेंगे। आप तमाम ही दोस्त देख सकते हैं। साथ ही जो है अब ये गोश्त जो है इस डेग में जी शामिल किया जाएगा उस डेग में से, और इसको भी अच्छे से जो है गोश्त की जो है भुनाई भी की जाएगी उसमें। याद रहे जो हम बना रहे हैं जी बीफ यखनी पुलाव बना रहे हैं जी मसाले वाला, 10 किलो चावल और 12.5 किलो जी गोश्त। तो अभी जो हमने उस डेग में जो गोश्त डाला है बाकी जो उसकी यखनी है वो भी जो है हम आगे चल के शामिल करेंगे, तो वो भी दिखाएंगे जी हम आपको। ये देखिए जी आप तमाम लोग अब जो इसमें हम दही भी शामिल करेंगे गोश्त की बनाई के टाइम। दही जो है पुलाव में जी 2 किलो शामिल होगा, तो अभी जो हमने 1 किलो दही डाला और 1 किलो दही जो हम अभी आगे चल के जी शामिल करेंगे। पहले जो है गोश्त के साथ जो है हम 1 किलो दही हमने शामिल किया, इसके अच्छे से जी हम भुनाई भी कर रहे हैं, आप तमाम भी तो जो है देख भी सकते हैं। साथ ही जो है इसमें खुशबू के लिए जी केवड़ा भी जो इसमें शामिल किया जाएगा। ये देखिए जी इसमें जी तेज पत्ता भी जो है शामिल कर दिया गया है। ये देखिए जी पुलाव की जो यखनी है वो भी जो है इसमें गोश्त में शामिल कर दी गई है। ये देखिए यखनी भी जो है जो बाकी जितनी भी यखनी थी वो भी जो है देखिए शामिल कर दी गई है। अब जो है इसमें हम नमक भी जो है शामिल करेंगे। याद रहे जो
हमने नमक गोश्त में शामिल किया था वो अलग है, और जब नमक हम शामिल कर रहे हैं ये अलग है। दोनों जगहों पे जी हमने नमक अलग अलग शामिल किया है, तो हलवे जायका जो हम नमक शामिल करेंगे दोनों जगहों पे। ये देखिए जी नमक शामिल करने के बाद अब जो हम खीर भी जी चलाएंगे इसमें, और जो बाकी का जो बचा हुआ दही था वो जो है हम इसमें हम शामिल कर देंगे। ये देखिए जी बाकी का जो बचा हुआ दही था वो भी जो है उसमें हम शामिल कर रहे हैं। साथ ही जो है चावल भी जो है देखें जो मैंने आपको दिखाया था उसमें भीगता हुआ, तो उसको भी जो है हम अलग कर लेंगे जी पानी से टोकरी में जी। ये देखिए जी चावल को जो है निकाला जा रहा है। ये देखिए जी बासमती राइस है, अच्छे ब्रांड का राइस है। ये देखिए आप हमारे जो तुमने चावल निकाल दिया था वो जो है उसमें शामिल कर देंगे। ये आप तमाम जो देख भी सकते हैं चावल जो हमने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा जी याद रहे जो हमने पुतलिया में जो हमने सौंफ और धनिया जो हमने पिसा हुआ लगाया था वो लगाया था हमने, मतलब पिसा हुआ ही था ज़्यादा ज़्यादा कुटा हुआ था, तो 50-50 ग्राम ने वो शामिल किया था पुतलिया में, और 250 ग्राम जो हमने लहसुन उसमें शामिल किया था। ये आप तमाम ही दोस्त जैसे देख भी सकते हैं। जो है हम पुलाव को पत्ते भी लगाएंगे ये देख सकते देखिए, और साथ ही जो है चूल्हा भी जो है हम थोड़ा हल्का कर देंगे। ये पुलाव जो हमने तवे भी जो हमने लगा दिया, और अदरक और मिर्च जो हमने इसमें लगाई थी जी कुटी वो हमने लगाई थी 250 ग्राम। और एक बार जो है मैं तमाम दोस्तों को जो है पुलाव का जो वजन है वो मैं बताता चलूँ, 10 किलो चावल में हमने 12.5 किलो जो है गोश्त शामिल किया है, और पुटलिया जो हमने बनाई थी उसमें जी हमने सौंफ और धनिया जो है 10-10 कुटा हुआ हमने इसमें शामिल किया था 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम धनिया और 50 ग्राम सौंफ, 250 ग्राम हमने लहसुन शामिल किया था, और साथ ही जो हमने गोश्त की जो बुनाई के लिए हमने जो मसाले इसमें शामिल किए थे अदरक और हरी मिर्च कुटी हुई तो वो हमने शामिल किए हैं 1-1 पाव। तो ये देखिए साथ ही जो इसमें हम प्याज भी जो है लगाएंगे ऊपर ब्राउन प्याज, ये अलग है और जो हमने उसमें लगाई थी वो अलग। और पुदीना भी जो इसमें हम लगाएंगे वापस जो हम इसको अच्छे से जी हम दम पे भी लगा देंगे। 150 ग्राम हमने इसमें पुलाव का मसाला शामिल किया था, 1/2 पाव जो है हमने हरी मिर्च साबुत शामिल करी है, आलू के बाद हमने इसमें शामिल किया जी 1/2 पाव, और ये देखिए आयल जो हमने इसमें शामिल किया था वो शामिल किया था 2 किलो, और 1/2 किलो जो आयल है वो हम इसमें ऊपर से हम आग में शामिल करेंगे। ये देखिए जी पुलाव जो है इस टाइम हमारा दम पे लगा हुआ है। ये देखिए जी लेकिन 20-25 मिनट बाद जी अब हम अपने पुलाव का जी दम खोलते हैं। ये देखें आप लोग कि चावल भी माशाल्लाह कितना खिला खिला आया, मसाले वाला बीफ पुलाव जी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जी तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा बहुत ही मज़ेदार सी जो इस टाइम पुलाव में जी खुशबू भी आ रही है, ये आप तमाम ही दो जो है देख भी सकते हैं। इस टाइम बहुत ही उम्दा बहुत ही मज़ेदार सी जो है खुशबू आ रही है पुलाव में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुलाव जी तैयार हो चुका है। साथ ही जो इसको मिक्स भी कर देंगे, और ये चावल भी देख सकते हैं जी आप लोग कितना खिला खिला जी हमारा चावल भी आया है, एक एक दाना जो है खिला खिला है। तो बाकी का जो इसमें
ऑयल भी जो इसमें हम शामिल करेंगे, आधा किलो जो ऑयल है बाकी का वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। तो ये हो गया जी हमारा 2.5 किलो ऑयल, 10 किलो पुलाव में जी हमारा 2.5 किलो ऑयल जो हमारा शामिल हो चुका है। तो इंशाल्लाह तमाम ही दोस्तों से जी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ जी मुलाकात करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर कमेंट करके बताएगा कि आप लोगों को हमारे आज का बीफ पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। तो आप तमाम ही दोस्तों से नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी से मुलाकात करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।